यार दोस्तों, आज हम डिफेंसिव कार ड्राइविंग की स्किल को सीखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आपने जो है सीखना है कि कैसे आपने क्विक लेफ्ट साइड या राइट साइड को घूमना है, उसके बाद सीधा जाना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि आप हाईवे में लेफ्ट साइड में ही अपने राइट साइड में चल रही हो, क्योंकि सभी गाड़ियाँ लेफ्ट साइड में जा रही हैं, राइट साइड में जा रही हैं। लेफ्ट साइड का हाईवे बहुत ही बड़ा है और उसमें आप जा रहे हो, आपने देखा कि बहुत सारे ट्रैफिक आगे पीछे पीछे आ रहा है। तो अगर मैं इसी स्पीड से जाऊँगा तो मैं खड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे आगे लेफ्ट को घूमना है। तो हमने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा स्पीड करके गाड़ी को एकदम लेफ्ट साइड में ले जाना है। ये देखो मैंने स्पीड इंक्रीज़ की, एकदम ऐसे घुमा देना है। ये 90 के कोण पे आपने ये स्टीयरिंग का, एक बार फिर देखता हूँ। देखो ये मैंने गाड़ी यहाँ तक घुमा दी, पर उससे पहले आपकी स्पीड जो है ना, आप यहाँ देख सकते हो स्पीड जो है वो एकदम दबा के फिर घुमाना है, उसके बाद सीधा गाड़ी ले जाना है आपने। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप क्विकली आगे जा सकते हो जहां आपने जाना है, आगे का टर्न घुमा सकते हो ऐसे ही राइट साइड में, मतलब एकदम आपने स्पीड इंक्रीज करके राइट साइड में 90 के कोण पे स्टीयरिंग को घुमा देना है। देखो इतनी स्पीड से, देखो ये मैं हूँ, ये यहां से पकड़ना है, ये हमने घुमाया और फिर यहाँ हमने सीधा कर देना है। ओके, उससे क्या है कि आप बहुत छेती राइट या लेफ्ट हो जाते हो, उसके बाद फिर गाड़ी सीधी जाती है। अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ओके थैंक यू। यो सी जगह बस दोबारा आने दे, दोबारा